नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पेटीएम को कौन नहीं जानता, अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूध, सब्जी से लेकर मोबाइल टीवी खरीदने तक पेटीएम से भुगतान होता है। पेटीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका आईपीओ के बारे में है। पिछले कई महीनों से बातें हो रही थी कि पेटीएम जल्द ही आईपीओ ला सकता है। इसके लिए पेटीएम ने सेबी के पास दस्तावेज भी जमा करा दिए थे। अब यह खबर आ रही है कि सेबी ने पेटीएम को आईपीओ लेने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार पेटीएम का ये आईपीओ 16,600 करोड़ रुपए का होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम से दर्ज था, जो अब टूट जाएगा। कोल इंडिया ने 2010 में 15,000 करोड़ का आईपीओ लाकर रिकॉर्ड बनाया था। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक आईपीओ आने की तारीख फाइनल हो जाएगी। अगले महीने में पेटीएम का आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट भी होने की उम्मीद है। पेटीएम के फाउंडर एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा कंपनी को लगातार बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। वह एक साल से रेस्क्यू बढ़ाने, पेटीएम की सर्विस को मोनेटाइज करने में लगे हुए हैं। वह बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल वॉलेट में भी घुस गए हैं। पेटीएम फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे और व्हाट्सएप पे को कड़ी टक्कर दे रही है। कंपनी के अनुसार इसके 2 करोड़ से अधिक मर्चेंट पार्टनर हैं। कंपनी ने कहा है कि इसके यूजर्स हर महीने करीब 1.4 करोड़ ट्रांजैक्शन करते हैं। स्ट्रीट बज से प्रतिमा साह की ऑनलाइन रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।